सलवार कमीज चुरा ली, आती हो गई आपसे। अरे यार, आप कोई हसीन नहीं है बल्कि कपरू जवान मर्द है, समझ में आ रही है ना? बहुत इलायची जी, वो क्या है ना कि हमारे अंदर के मर्द को ना एक बड़ी हसीन सी लड़की ने ना कब्जा कर लिया है, और क्या है ना कि हमें बहुत मजा आ रहा है। और इलायची जी, वो क्या है ना कि वो लड़की हमेशा हमारी छाती पे बैठी रहती है और हमें कहती रहती है कि अगर किसी और को बाहर निकाला ना तो देखना मैं तेरे साथ क्या क्या करूंगी, तो बस मजा आ रहा है। अच्छा चलिए ना, गोलगप्पे खाते हैं, मजा आएगा। जीजा जी, मानती हूँ कि खाइए सामने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुद जाके कूद जाओगे। कंट्रोल करो, अपने अंदर की लड़की से बोलो मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहे, वरना इलायची बंसल किसी भी हद तक जा सकती है। ओए ओए, अरे ठंडी सर्द के मौसम में हीटर लग रही है चलता फिरता, और फिगर तो ऐसी है जैसे अजंता की मूर्ति। अबे ओ लंगूर कहीं के, अगर तूने मुझे छेड़ा ना तो तुम्हें जूता उतार के ना तेरा चौकटा बिगाड़ दूंगी, चश्मा तोड़ दूंगी मैं तेरा। हाँ नहीं तो। अरे इतने भी गए गुजरे ना आए जो स्कूल जाती बच्ची को छेड़ेंगे। क्या है ना, हम तो इस आंटी की बात कर रहे हैं, ये उनका और हमारा मामला है। आंटी किसे कह रहे हो? एक मिनट, शू, ये मेरे साथ है, इन्हें कुछ मत कहना, दूर रहो, दूर दूर। जीजाजी, मारो ना इन्हें। इलायची जी, हम किसे मार सकते हैं? कहीं उन्होंने हमें छेड़ दिया तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें डर लग रहा है। अरे बेटे, तुम क्यों इन आंटी की बॉडीगार्ड बनी हुई हो? नहीं। जब आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हारे को क्या? नहीं, नहीं, नहीं। आंटी तुम्हारे को अप्पू घर की सैर करा दे। हमें, ओए नहीं, हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए हमें। एक्सक्यूज मी, हाथ छोड़, हाथ छोड़। यूं के सरे बाजार, ये क्या हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अबे क्या कर, ये ना हम लोग को छेड़ रहे थे ये हमारे गुंडे। पिंकी जी सब समझ गए, पिंकी जी को समझ में आ गया कि क्या करना है। एक्सक्यूज मी, पकड़िए इसको। कितने हैं? तीन। हाथ पकड़ो तीनों एक दूसरे का, चलो पकड़ो। और तुम इधर आओ, अभी आ रहे, इधर आ बे, चल इधर आ। हाँ भाई, पिंकी जी ने उन तीनों को पालक में आई हुई घास की तरह निकाल के फेंक दिया। अपना इलायची, ये कौन है? शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। पिंकी अंकल, ये जीजा जी हैं। जीजा जी, पर ये बहन जी क्यों बने हुए हैं? अरे यार, बहुत लंबी कहानी, मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ, पिंकी जी भी लेट हो रहे, उस सब्जी मंडी में ना ताजा माल आ गया होगा, पिंकी जी जाके एकदम झपट्टा मार लेंगे। ये दो तेरा दिल, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। थैंक यू पिंकी अंकल। हाँ इट्स ओके। अच्छा हुआ पिंकी अंकल ने बचा लिया, थैंक गॉड। इलायची जी, पिंकी जी कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, मजा आ गया। कैसे टिशुम टिशुम, माय गॉड। हाँ वो तो है, लेकिन ना आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने पे ना कंसंट्रेट करो, करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, समझे? अच्छे, इसने क्या मुसीबत लाइफ में टंटे हो रखे हैं, चलो। कितना अच्छा फाइट मारा ना। शुम, क्या कर रही हो, मतलब क्या कर रहे हो? सो स्ट्रांग। बता, अच्छा खासा है इंसान, मर्द से उसे जनाना बना दी। बैठो सुनी चाहिए। क्या हुआ बिंटू जी, आप इतना उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? अरे क्या बताएं सुनीता जी, अब बताओ, जिसका पति उसकी सौतन बन जाए तो इंसान क्या करे? हैं? अब क्या बोल रहे हो? अरे सुनीता जी, देखिए क्या ना, मुझसे पंचम की हालत बिल्कुल ना देखी जा रही, कसम सच बता रहा हूँ, बड़ा दुख हो रहा है। दिन ब दिन ना वो जनानी बनता जा रहा है, तब देखो तब मेरा मेकअप चुरा के लगा लेता है, और जैसे ही मौका मिलता है ना उसे कमरे में अकेला अपना फेसियल करने लगता है। अरे हद तो कल रात हो गई, जरा सा उसका थोड़ा सा इतना सा दाना निकल आया कहीं ऐसे, तो पूरी रात उसने मेरा सिर खाया कि बताओ, मेरे पिंपल निकल आया, मैं बाहर कैसे मुंह दिखाऊंगा, कभी कभी मुंह दिखाऊंगी, सच बता रहा हूँ। हाय रब्बा, वेरी सैड यार, फिर तुझे जीजा जी की जनानी बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। तुझे
मैं जीजा जी का तो कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं आपका दर्द ना जरूर दूर कर सकती हूँ। मैं आपका सर दबा देती हूँ, इधर आ जाओ। अच्छा हाँ सही बता रहे हैं आप, ना होते सुनीता जी ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। बहुत पिंटू जी क्या हुआ? वो ना मामा जी पिंटू भाभी के सर में ना बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं सर दबा रही थी। बिल्कुल सही कह रही है भैया, ऐसी दुखी औरत का अंग अंग तो दुखेगा, जिसका पति जो है पत्नी में बदलता जा रहा, हमें इस बात का बड़ा दुख है, कसम से बता रहे। अब क्या कर सकते हैं बताओ, तो क्या हालत हो गई है। आप ऐसे ही टपक पड़े या कुछ काम से आए थे? है? कुछ काम से आए थे? अरे बता आप तो, काम से ज्यादा। अरे सुनीता बेटे, वो तुम्हारे पापा मिले थे, उनका दूध बल गया तो कह रहे थे बुला के भेज दियो उसको, तुमने कह देंगे तो बुला रहे हैं, तो मैं जाओ। हद हो गई है यार, अब पापा आपको भी भेजने लगे दूध बलवाने के लिए। मैं तो ना बस दूध बलवाने के लिए आई हूँ दुनिया में। आराम से जाना बेटा, कोई ऐसी। बाय बिट्टू भाभी। बाय बाय। पिंटू जी बोलो, कुछ कहना था मतलब वार्तालाप करना थी, तो आप कहें तो मैं आपके बाजू में बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए। अच्छा पधारो। थैंक यू। मैं बिल्कुल बगल में ही ना घुस जाओ, ठीक? अच्छा थोड़ा दूरी बना के रखो। अच्छा पिंटू जी बको, मेरा मतलब बोलो। पिंटू जी जब हम जेल में थे ना तो सब लोग हमारे हाथ की मालिश के कायल थे, तो मैं क्या सोच रहा था कि मतलब अगर आपके मतलब सर में दर्द हो रहा है तो दबा दूं मैं ना, आपको ये जहमत उठाने की कोई जरूरत ना है, क्या कि हमारे सिर का दर्द जो है ना हल्का हल्का क्या बल्कि ये समझ लो ठीक सा ही हो गया है, तो अब कोई जरूरत ना आपको, ठीक है? कैसी बातें कर रही है पिंटू जी, जिसका पति खो गया हो, हाथ से निकल गया हो। पिंटू जी लगभग तो आप इस वक्त बिल्कुल अकेली सी हैं, और ऐसे में ना सबकी नजर पड़ेगी आपके ऊपर, तो ऐसे में किसी मर्द का हाथ पकड़ लोगे या हाथ थाम लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए क्या है ना, हाँ? हमारे गुग्गू चाहे कुछ भी हो जाए, वो कितने भी बदल जाए, लेकिन हमारे बीच का जो प्यार है ना वो कभी ना बदलेगा, ऐसा ही रहेगा। और हमारे बीच में जो फूट डालेगा, हमारे बीच में जो फूट डालेगा ना, हाँ? उसको मैं फूट डालूंगी, उसका मुंह तोड़ के फेंक दूंगी, उसके बाल नोच लूंगी, उसकी आंखें खींच लूंगी। पिंटू जी मुझे लग रहा है कि आपका दर्द ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है, आराम कर लो। मेरी क्या, मैं तो आपसे बाद में मिल लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसाला सत्यानाश हो इस मंगी के बच्चे का, अच्छे से उसे पता था कि 25 किलो मटर छीलने एन मौके पे धोखा दे के गया। हाय दरोगा साहब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बोलिए। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। फूल लीजिए ना। अरे लेकिन आज तो पिंकी जी का जन्मदिन ना हो रखा, ना ही आज एनिवर्सरी है, और ना ही पिंकी जी अब तक मरे हैं, जो ये फूल मतलब फूल किस लिए लेके आए, पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी वो दरअसल क्या है ना कि आज आपने हमें गुंडों से बचाया, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, सच बता रहे हैं, और हमें लगा कि हमें आपको धन्यवाद करना चाहिए, और हमारा ये प्यार दिखाने का तरीका है। पिंकी जी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। क्या मैं आपको पिंक बुला सकती हूँ? क्या क्या बुलाना चाह रही? पिंकू। ना मतलब पिंकी जी इतने भी पिंक ना हो रखे कि पिंकी जी की जगह आप पिंकू बुला। पिंकू नहीं, पिंकी जी भी ठीक है, बुरा क्या मानना, मतलब पिंकू पिंकी जी ठीक है। एक बात बताइए आप मिस्टर पंचम, आप अच्छे खासे मर्द हो रखे हैं, लेकिन ये ऐसे सलवार कमीज पहन के घूम रहे हैं, मतलब ये कोई अच्छा लगता है भला? ये पिंकी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, किसी की पहनावे से और वो क्या काम करता है उसकी पहचान थोड़ी ना बनती है। ये तो आप इस हिसाब से मटर छील रहे हैं, आपको लौकी छीलना पसंद है, आपको गाल पे लाल लाल रंग लगाना पसंद है, आपको कितनी चीज़ें पसंद हैं, औरतों जैसी, है ना?
पर आप क्यों करते हैं? क्यों पसंद है आपको? बताइए बताइए, हार गए ना? ना ना, कैसे हार जाएंगे? देखिए ऐसा है कि पिंकी जी जो कर सकते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। तभी तो आप हमें पसंद हैं। क्या 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 क्या? आप वो सब छोड़िए ना, आप ये फूल स्वीकार कर लीजिए ना, प्लीज। नहीं नहीं पंचम, रहने दो यार। आप ले लीजिए, वरना मैं बता रही हूँ मेरा जो दिल का फूल है ना, वो मुरझा जाएगा। हाँ अरे यार, तुम नहीं मानोगी, मतलब मानोगे। हाँ खैर आओ, दो दो फूल दो। थैंक यू। ये क्या कर रहे तू? छोड़ छोड़ छोड़। हाय बाय पिंकू। अरे जी छत पर है? हाय, आइए ना इलायची जी, मैं तो छत पे ही हूँ, बैठिए। क्या आपने मुझ में कुछ नोटिस किया? एक सेकंड, मैं बताती हूँ। इलायची जी, आपने फेशियल करवाया ना? हाँ, आपके चेहरे पे ना बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है। कौन सा वाला फेशियल कराया आपने, मर्ड फ्रूट या केमिकल? आपको पता है आज ना हमारे चेहरे से ना पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कि ना ग्लो चला गया, तो हमने ना बेसन और दही का उपटन लगाया अपने चेहरे पे, पर ना कुछ खास फर्क सा नहीं आया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपको उसकी कड़ी बना के खा लेनी चाहिए थी, तभी ग्लो आता। इलायची जी आप ना बहुत फनी है। अच्छा सुनिए ना, अपने पैर लाइए, मैं ना आपके पैरों पे नेल पेंट लगा देती हूँ। हाँ श्रीली। हाँ आपकी ना आपने मेरे मतलब वाली बात। ठीक है जी, ओके ये लीजिए। लाइए ये लीजिए। यू नहीं, आप एक काम करिए ना, वो आपने बुरा मत मानिएगा, आपने पेडिक्योर नहीं कराया ना, तो हम आपके पैरों पे नेल पेंट नहीं लगा पाएंगे, वो हमें ना थोड़ा ऐसे अलकत आती है। कोई बात नहीं, फिलहाल आप किसी और चीज पर ध्यान लगाइए अपना। क्या आपको भी कुछ कुछ हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, क्या आपका भी वही मन कर रहा है जो मेरा कर रहा है? हाँ, तो फिर क्या आप भी लट्टा हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है ना, ये कलर कितना अच्छा है, बहुत अच्छा फिट कर रहा है आपको। आपने कहाँ से बनवाया? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, मजा आ गया देख के। मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है सिर्फ आपको, लेकिन उसमें खड़ी हुई लड़की अच्छी नहीं लग रही है ना? कितनी मेहनत की पता मैंने, कितनी मेहनत की, इतनी महंगी ड्रेस खरीद के लाई, मॉडलिंग कर रही हूँ, रिझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। इलायची जी, ये सुंदर लड़की से बात करने का कोई तरीका नहीं है। देखिए ना, अब हम आपको कितनी बार तो बता चुके हैं, अब हम आपकी तरफ आकर्षित नहीं है, अब नहीं है तो नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या? हाँ इलायची जी, अब ऐसा ही है जैसा है। हाँ अब आप खुद ही सोचिए, आप हमारी बेस्ट फ्रेंड है, और उसी तरह से सुनीता जी भी आपकी बहुत बड़ी बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप सुनीता जी को ऐसी वैसी नजरों से देखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वैसी हम भी। जी आपका दिमाग खराब है, वो लड़की है, आप एक लड़का है, मेरे बॉयफ्रेंड है। इलायची जी हम लड़का थे, और हम कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, अब ना हमें गर्लफ्रेंड बनना है, और ना बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ओहो हाँ, और सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, हमें ना एक किसी इंसान से प्यार भी हो गया है। हाँ किससे, कब हुआ ये सब, किससे हो गया प्यार? वो उससे, वो मोटू। मोटू? हाँ जो बचपन से दिल्ली में रह रही है। हाँ
उन्होंने जब से हमारी जान बचाई है ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो कितना अच्छा लड़ते हैं ना, उन्हें कितना अच्छा मारा गुंडों को, इसे डिशुम डिशुम, बहुत मैनली हैं वो, बहुत ही क्यूट हैं। हाँ, और ना हमें मतलब पिंकू से क्या बताए, अब आप समझ रही हैं ना, सुंदर लड़की। भगवान है भगवान, लाइफ में डंटे हो गए मेरी मेरी मेरी, क्या करूं, चूड़ियां तोड़ दूंगी मैं अपनी, चूड़ियां तोड़ दूंगी। जी प्लीज प्लीज मान जाओ, प्लीज इलायची जी हमारा टॉप, इलायची जी हम आपको बता चुके हैं, अब देखिए आप हमारी बात प्लीज अब सुनिए। कोई बात नहीं, आपको कोई और लड़का मिल, आपको कोई और लड़का मिल जाएगा। हाँ, हमें बहुत पसंद आ रहा है। अरे सुन करू, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए ना, ठीक से बंद किए, क्योंकि उसका भरोसा ना छोटे का, पता ना कहाँ से आकर टपक जाए। इलायची के पापा, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे छोटे भैया ने तुमसे माफी ना मांगी हो, तुम्हारी तिजोरी की चाबी मांग ली हो। अरे तिजोरी से पैसे निकल जाएंगे तो कम से कम तिजोरी हल्की होगी, यहाँ तो इसने मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो का रट्टा लगा के मेरा दिमाग खाली कर दिया है। खिड़की दरवाजे बंद है वो ठीक है, लेकिन अगर मान ले कैसे भी करके अगर ये छोटे यहाँ आ गया तो उसके सामने तू सिर्फ इतना कह दियो कि तुझे ना मेरी आंखों में माफी दिखाई दे रही है, बस बात खत्म। सेठ जी, सेठ जी, अरे यार कैसा आदमी है तू, बड़ा अजीब आदमी है तू, मेरे पलंग के नीचे ही घुसे आया यार। घुटन हो रही है सेठ जी, आना पड़ा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि माफी के नाम पे एक इंसान मतलब किस हद तक गिर सकता है। मेरे तो भाई फूट गया। अरे यार मेरे भाई, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, मेरे दिल में कुछ ना है, मैंने तुझे माफ कर दिया यार, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारी आंखों में ना दिख रहा है, तो मैं अपनी आंखें बुड़वा लूं तेरे लिए। देखो अगर माफ कर दिया होता तो तुम्हें इतना गुस्सा ना आता, तुम इतना चिड़चिड़े ना हो जाती, तुम्हें खुशी होती मेरे आने से। कहा भैया जी जी, वो बेसन के लड्डू कहाँ रखे हैं, तुझे मालूम है बात पाते में कहाँ भूख लगती है, पता नहीं कौन से डब्बे में रख दिया तूने, कहाँ रखा हुआ है, भूख लग रही है हमें। अबे सर छटक गई, तू बेसन के लड्डू बाद में खा लियो, पहले मेरी मेरी जान छुड़ा ले यार यहाँ से। क्या बात हो गई, चढ़ा के तू एक बार बता, तू मेरी आंखों में देख के बता जो तुझे क्या दिख रहा है। तुम्हारी आंख में हमें गंदगी लग रही है, आंख ना साफ करते हो, धुलवाते ना आंखों को, तुम क्या दूंगा एक मुंह पे, देख रहा ठीक से देख क्या दिख रहा है, लुच्चापन दिख रहा है तुम्हारी आंख में। हाँ तेरे लिए, अब बता क्या दिख रहा है। और तो बस बेशर्मी दिख रही है, और क्या दिख रहा है हमें। अबे तेरी आंखों की बात ना कर रहा हूँ, मेरी आंख में देख के बता क्या दिख रहा है। अरे कंजूसी टपक रही है तुम्हारी आंख से, बाहर निकल रही है, साफ साफ दिख रहा है मुझे। अरे माँ से बता, माँ से क्या दिख रहा है, माँ से कहते ना माँ, उसका पहला अक्षर माँ है, माँ से बता क्या दिख रहा है। माँ से बताओ तुम्हें, माँ से क्या बताऊँ, माँ से मक्कार लग रहा है, पूरे मक्कार आदमी 420। देखा, देख लो अपनी आंखों से देख लो सेठ जी, खुद के साले में, सगे साले में। अरे इस इंसान को तुम्हारी आंखों में माफी ना दिख रही है, पर क्यों झूठ बोल रहे हो। अरे यार भगवान मुझे ऊपर उठा ले यार, कौन सी मनु उस गली में, मैं इसके स्कूटर में बैठ गया। अरे यार मैं कितनी बार कहूँ इसे समझ में ना रहा यार। सेठ जी माफ कर दो, मैं कसम से कह रहा हूँ मैं जाऊंगा ना, फिर जाऊंगा ना, तू जा यार अपनी दुकान पे जा यार, कल आ जाइयो, कल माफी दे दूंगा। कहाँ कहाँ से निकल ले आए। हाय सेठ जी। प्रणाम सेठ जी। सौभाग्यवती रहे, मेरा मतलब खुश रहे। अच्छा सुन ठंड ठंड सेठ जी, पंचम। अरे अब क्या करेगी इस नाम का, मेरा मतलब है क्या करेगा इस नाम का, अब पंचम से तो पंचमी हो गया है। अच्छा ये बता, कुछ काम वाम किया या पूरा दिन जो है आईने में अपना चेहरा देखती रही, मेरा मतलब है देखता रहा। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि आज टाइम ही नहीं मिला ना, आप यकीन नहीं करेंगे, आज हमने आपकी उम्मीद से भी बढ़ चढ़ कर काम किया है। अच्छा आप एक बारी गल्ला तो चेक करिए। अच्छा हाँ डाल, देख रहा हूँ तू। सेठ जी पूरे 5 लहंगे बेचे हैं हमने सुबह से, और आपको पता है कितने पैसे हैं ये। हाँ। पूरे 65,000।
पंचम सुन, आज तो तूने ना मेरे गले को शाही दावत दे दी, कमाल कर दिया तूने। आज तो तेरा इनाम बनता है, आज मैं तुझे छोटा बड़ा इनाम ना दूंगा, बहुत बड़ा इनाम दूंगा, ले। अब मत कहियो कि तेरा सेठ जो है वो कंजूस है, ये रख ले, सुन, इधर आ, इधर तो आ। आज ना मेरा दिल कर रहा है कि तेरी पीठ थपथपा दूं, शाबाशी देने को मन कर रहा है। अरे वाह, अरे इलाची के पापा।